से जुड़ी हुई हजारों मान्यताएं हैं, जिसे लोग पूरे सौहार्द के साथ मानते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के काशी की एक अलग ही पहचान है, जहां कड़ कड़ में भगवान शिव विराजते हैं। कहा जाता है जो कहीं नहीं होता वो काशी में देखने और सुनने को मिलता है। काशी में रहस्य और चमत्कार कोई नई बात नहीं है। इन्हीं में से एक है सैकड़ों साल पुराना इमली का पेड़, जिसके चमत्कार की चर्चा पंजाब व हरियाणा तक है। धार्मिक मान्यता है कि इस पेड़ की पत्ती खाने से कई तरह के रोगों से मुक्ति मिल जाती है। इतना ही नहीं, लोगों की मनोकामना भी ये इमली का पेड़ पूरा करता है। इस इमली के पेड़ का सीधा कनेक्शन संत रविदास से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, आज संत रविदास जी की जयंती है। इस मौके पर आइए आपको उनसे रूबरू कराते हैं। औना अपने भागा दा, चौना अपने भागा दा, नियत क्यों माड़ी करनी जदो खाना अपने भागा दा। जी हाँ, ये बोल है गुरु रविदास जी के। जी हाँ, ये बोल है गुरु रविदास जी के कि जब आना और जाना अपने भाग्य का ही है तो नियत बुरी करने से क्या लाभ। गुरु रविदास जी 15 और 16वीं शताब्दी में भक्ति अभियान के उत्तर भारतीय आध्यात्मिक सक्रिय कवि संत थे। पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में उन्हें गुरु कहा जाता है और रविदास जी के भक्ति गीतों ने भक्ति अभियान पर एक आकर्षक छाप भी छोड़ी थी। संत रविदास एक कवि, संत, सामाजिक सुधारक और आध्यात्मिक व्यक्ति थे। रविदास 21वीं शताब्दी में गुरु रविदास जी धर्म के संस्थापक थे। वहीं संत रविदास को रैदास के नाम से भी जाना जाता है। संत रविदास का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी क्षेत्र में माघ पूर्णिमा को 1377 में हुआ था। इसीलिए हर साल माघ पूर्णिमा के दिन संत रविदास जयंती मनाई जाती है। लेकिन इनके जन्म को लेकर विद्वानों के बीच अलग अलग मत है। रविदास का जन्म एक मोची परिवार में हुआ था और इनके पिता जूते बनाने का काम करते थे। रविदास जी बचपन से बहादुर और ईश्वर के भक्त थे। पंडित शारदानंद गुरु से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। जैसे जैसे रविदास जी की उम्र बढ़ने लगी, भक्ति के प्रति इनकी रुचि भी बढ़ गई। वहीं अगर काशी में रहस्य और चमत्कार की बात करें तो वाराणसी के सीर गोवर्धन इलाके में संत रविदास मंदिर के करीब इमली का पेड़ है। कहा जाता है कि इसी इमली के पेड़ के नीचे संत रविदास बैठकर सत्संग किया करते थे। आज यहीं लोगों की भीड़ उमड़ती है और भक्त अपनी मनोकामना लेकर यहां आते हैं और मत्था टेकते हैं। संत रविदास की जयंती के मौके पर यहां भक्तों की भीड़ होती है। इस पेड़ की देखरेख भी मंदिर ट्रस्ट ही करता है। ट्रस्ट से जुड़े सेवादार लाल चंद्र पंजाब ने बताया कि 14वीं शताब्दी में संत रविदास यहीं बैठकर सत्संग करते थे। उनके निधन के बाद धीरे धीरे ये पेड़ सूख गया, लेकिन जब यहां मंदिर का निर्माण हुआ तो ये पेड़ फिर अस्तित्व में आया और इसी जड़ से दोबारा संत रविदास की कृपा से ये पेड़ हरा भरा हो गया।